हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सुरस्वी चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे एक रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी कि विंटर्स आ गए हैं और जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, सो देयर वाज अ रिक्वेस्ट फॉर अ गुड नाइट क्रीम। सो आज के मेरे वीडियो में मैं नाइट क्रीम लेकर आई हूँ, विंटर केयर नाइट क्रीम, जिसको बनाना बहुत ही सिंपल है एंड इट इज रियली वेरी इफेक्टिव। सो गाइज, दिस इज माई नाइट क्रीम, दिस इज अ कंसिस्टेंसी और ये बहुत ऑसम है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके किचन इंग्रेडिएंट से बनाया है, सो बहुत ही सिंपल है इसको बनाना और सभी स्किन टाइप, नॉर्मल, ऑयली, कॉम्बिनेशन और ड्राई इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज रियली बेनिफिशियल। गाइस, विंटर क्रीम या कोल्ड क्रीम्स बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने जब भी उसको लगाती हूँ उसके बाद मेरा फेस बहुत डल और थोड़ा डार्क दिखता है और यही प्रॉब्लम मेरे कई सब्सक्राइबर्स की भी थी। सो फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद आपका फेस बिल्कुल काला नहीं दिखेगा और बहुत ज्यादा ग्लोई दिखेगा और नेचुरली इस पे आपके, जैसे आप इसका यूज करते रहेंगे आफ्टर वीक्स, आपका फेस नेचुरली इतना ग्लो लगेगा आप मैं बता नहीं सकती। जो डार्क स्पॉट्स है फेस पे वो इम्प्रूव हो जाते हैं। दिस क्रीम इज रियली ऑसम। सो ये बेसिकली आपकी स्किन की ड्राइनेस को भी ठीक करती है, बल्कि स्किन जो हमारा डैमेज हो गया है उसको भी रिपेयर करती है और इसको बनाना भी बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं इसको हम बनाते कैसे हैं। लेट्स चेक द वीडियो नाउ। आइए देखते हैं ये ऑसम से नाइट क्रीम हम बनाते कैसे हैं। इसके लिए मैंने क्लीन बोल लिया है और मेरा पहला इंग्रेडिएंट है फ्रेश क्रीम। ये मैंने अमूल ब्रांड की ली है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और अगर ये क्रीम नहीं है तो घर में जो मलाई निकलती है आपके दूध में से आप उसको भी ले सकते हैं, उसको लेकर थोड़ा फेंट देंगे तो वो क्रीम का ही टेक्सचर आ जाएगा। और ये मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ ये वाली क्रीम। ये बहुत ही अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए और स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी और जो स्किन में आपके प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करेगी। अगला इंग्रेडिएंट आता है मेरा ये सौंदर्य जेल। और अगर ये नहीं है तो आप सिंपल एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको इस क्रीम में डालना चाहती हूँ ताकि ये नेचुरली इस क्रीम को खुशबू दे। तो ये केसर चंदन का ये एलोवेरा जेल है। और मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट आता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो तो वैसे ही बहुत अच्छे से हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और विंटर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑयल है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। और इसकी कुछ फ्यू ड्रॉप्स मैं ऑलिव ऑयल की इसके अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है फ्लैक्स सीड ऑयल। ये फ्लैक्स सीड ऑयल अलसी के बीज का ये ऑयल है। गाइस, अगर ये ऑयल आपको नहीं मिल पाता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आपको ये मिलता है तो इसको जरूर डालें। ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है। अगर किसी के स्किन ड्राई है या आपके जो एजिंग प्रोसेस है उसको भी कंट्रोल करता है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल जो हमारी क्रीम्स है उसकी तरह है। और फायदा इसका ये होगा कि सभी स्किन टाइप के इसको यूज कर सकते हैं, किसी का कोई भी ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है या ड्राई है, आप सब इसे यूज कर सकते हैं। जिनका ज्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ही ज्यादा है, तो वो ऑलिव ऑयल थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में डाल दें। नाउ दिस क्रीम इज परफेक्टली रेडी और इसको रात में आराम से लगाइए, बहुत ही अच्छी है हमारे स्किन के लिए। एकदम स्किन पे लगाते ही इंस्टेंट शाइन आ जाती है हमारे स्किन में और सुबह आप देखेंगे तो आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत आपको दिन प्रतिदिन लगेगा। इट्स रियली वेरी ऑसम, सी द रिजल्ट इज रियली वेरी वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, इसको लगाना आपको बेसिकली इसको नाइट में लगाना है और व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लीन योर फेस और टोनिंग करनी है फेस की। सो क्लीनिंग एंड टोनिंग का प्रोसेस आप खुद करेंगे, वट एवर यू सूट यू। आप मेरे चैनल पे आपको क्लीनर और टोनर, फेस वॉश भी हैं, टोनर्स भी हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई दिस क्रीम। इसको थोड़ा सा हमें हाथ में लेना है, जो भी हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है। देन यू हैव टू रब इट इन योर फिंगर्स, थोड़ी सी वॉर्म हो जाए एंड देन उसको अपने फेस पे आप अच्छे से मसाज करेंगे। एंड गाइज, इट रियली फील्स वेरी गुड और बहुत ही ऑसम है ये, आप इसे जरूर बनाइए। बनाना भी बहुत सिंपल है, कोई हैसल वैसल नहीं है, किचन इंग्रेडिएंट से आराम से बन जाती है। सो डू ट्राई दिस क्रीम एट योर होम एंड प्लीज अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। गाइज, बनाइए इसको और मुझसे जरूर शेयर करें कि आपको ये कैसी लगी। एंड फ्रेंड्स, इसको आप
फ्रिज में आराम से 15 डेज तक स्टोर करके रख सकते हैं। यू हैव टू कीप इट इन फ्रिज क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्ट से बनी है, सच एज क्रीम। सो यू आप इसे आराम से 15 डेज तक अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। यू हैव टू स्टोर इट इन द फ्रिज बिकॉज ये मिल्क प्रोडक्ट से बनी है और वही प्रोडक्ट है जो आपके फेस पर नेचुरल ग्लो लाएगा। सो दिस इज रियली वेरी ऑसम क्रीम। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा नेचुरली और जो आपकी डैमेज स्किन है उसको रिपेयर भी करेगा। सो जस्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज एंड में आप मेरी फोटो पे क्लिक कर उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। हैप्पी विंटर्स। बाय बाय।